दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल मैप की और जानेंगे गूगल मैप की ऑल सेटिंग्स एंड फीचर्स के बारे में। सो, अगर आप एक गूगल मैप यूज़र हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप गूगल मैप की सभी सेटिंग्स के बारे में सीख जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रमेश सिंह और आप देख रहे हैं RMS लाइव लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप नहीं जानते कि गूगल मैप का यूज़ कैसे करते हैं तो ऊपर आई बटन में फ्लैश हो रहे लिंक पर क्लिक करके आप इसके बारे में जान सकते हैं। उस वीडियो में दोस्तों मैंने गूगल मैप को यूज़ करने की पूरी जानकारी शेयर की है। तो अगर आप गूगल मैप को इस्तेमाल करने के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, गूगल मैप की सभी सेटिंग्स और फीचर्स के बारे में जानने के लिए आपको सबसे पहले टॉप राइट साइड में अपने प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर टॉप में अपने प्रोफाइल पर क्लिक करके आप कोई न्यू गूगल अकाउंट गूगल मैप पर ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पहले से यहाँ पर दूसरे अकाउंट्स ऐड हैं तो आप यहाँ से एक दूसरे में स्विच कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मैनेज योर गूगल अकाउंट का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं, उसे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल मैप यूज़ करें और उसकी कोई भी हिस्ट्री ना बने तो यहाँ पर आप टर्न ऑन इनकॉग्निटो मोड का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से आपका गूगल मैप इनकॉग्निटो मोड में ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर कुछ भी सर्च करेंगे, कोई भी नेविगेशन यूज़ करेंगे, किसी भी लोकेशन का मैप देखेंगे तो उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं बनेगी। यानी कि यहाँ पर आपकी लोकेशन सर्च हिस्ट्री, ब्राउज हिस्ट्री, कुछ भी ट्रैक नहीं होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप गूगल मैप पर सेफ ब्राउजिंग कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। अब अगर आपको वापस नॉर्मल मोड में आना है तो इसके लिए टॉप राइट साइड में प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको टर्न ऑफ इनकॉग्निटो मोड के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह से गूगल मैप का नॉर्मल मोड ओपन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप योर प्रोफाइल का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे, इस तरह से आप यहाँ पर अपना बायो ऐड कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, यानी कि जो भी आपने गूगल मैप में अपडेट किया होगा वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर आप एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं और प्रोफाइल सेटिंग्स पर क्लिक करके अपने गूगल प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। यहां पर कंट्रीब्यूट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी ऐड की गई फ़ोटोज़, डिशेज, रेट किए गए प्लेसेस या फिर अपनी फेवरेट लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर अपने गूगल फोटोज़ की सिंक सेटिंग को ऑन करना होगा, जिसके बाद आप यहाँ से भी किसी फ़ोटो को ऐड कर सकते हैं और जो फ़ोटो आप ऐड कर चुके हैं उन्हें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर योर टाइमलाइन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप उन जगहों को देख सकते हैं जिनमें आपने विजिट किया होगा। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज अपने विजिटेड प्लेस को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप शॉपिंग के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो सभी शॉपिंग प्लेसेस आ जाएंगे जिनमें आपने विजिट किया होगा। इसी तरह से आप यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक्स, अट्रैक्शंस, होटल्स या फिर कल्चर विजिटेड प्लेस को यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर सिटीज़ पर क्लिक करेंगे तो उन सिटीज़ को आप देख सकते हैं जिनमें आपने विजिट किया होगा। इसी तरह से वर्ल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके आप विजिटेड कंट्रीज़ या रीजन्स देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोकेशन शेयरिंग का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपनी करंट लोकेशन अपने किसी भी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर आप न्यू शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने किसी भी फ्रेंड को अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं या फिर शेयरिंग वाया लिंक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने फ्रेंड्स को अपनी करंट लोकेशन भेज सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके आप कितनी देर के लिए अपनी लोकेशन शेयर कर रहे हैं ये सेट कर सकते हैं। और अब मान लीजिए कि आप WhatsApp पर किसी फ्रेंड को अपनी लोकेशन भेजना चाहते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर WhatsApp सेलेक्ट करना है, जिसके बाद आपकी WhatsApp चैट लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब आपको अपने किसी फ्रेंड को सिलेक्ट करना है और फाइनली उसे अपनी लोकेशन शेयर कर देनी है, जिसके बाद वो इस तरह से आपकी भेजे गए लिंक पर क्लिक करके आपकी करंट लोकेशन देख सकता है। दोस्तों, गूगल मैप को आप बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफलाइन होते हुए भी आप ऑनलाइन की तरह किसी भी लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर आपको ऑफलाइन मैप्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट योर ऑन मैप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे,
इस तरह से आपके सामने एक स्क्वायर में सिलेक्टेड लोकेशन आएगी। तो दोस्तों इस स्क्वायर के अंदर जो लोकेशन है उसे आप डाउनलोड करके इसे ऑफलाइन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी बड़ा एरिया है और अगर आप इसे डाउनलोड करेंगे तो इसमें आपके 775 MB डेटा खर्च हो सकता है। सो अगर आप एक छोटी लोकेशन को ऑफलाइन यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इस तरह से इसे जूम इन करना है और जितना एरिया आपको चाहिए उसे इस फ्रेम के अंदर सेट करना है। अब जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो इसका साइज़ है वो भी काफ़ी कम हो गया है, 80 MB इसका साइज़ है। इसे आप इजीली जल्दी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको बॉटम साइड में डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है और एक पॉपअप ओपन होगा, इसमें डाउनलोड नाउ के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपका मैप डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और कुछ ही देर में इस तरह से आपके सामने कंप्लीट मैप डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इसे ओपन करना है और जैसे आप ओपन करेंगे आपके सामने फ्रेम में सिलेक्टेड आपका मैप आ जाएगा और साथ ही यहाँ पर इसे डिलीट या फिर अपडेट करने का भी ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर इसकी एक्सपायरी डेट भी देख सकते हैं, इस डेट को ये मैप एक्सपायर हो जाएगा अगर आप इसे अपडेट नहीं करते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर अपने इंटरनेट बटन को ऑफ कर देता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप ऑफलाइन इस मैप का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर फ्रेम में क्लिक करके अपने मैप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद जैसे कि मैं अब यहाँ पर टॉप सर्च बार में ATM लिखकर सर्च करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस मैप के अंदर जितने भी ATMs हैं उन सभी की एक लिस्ट नीचे से आ गई है और यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं जितने भी इस लोकेशन में ATMs हैं वो सभी यहाँ पर पॉइंट हो गए हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको किसी ATM तक जाने के लिए उसका नेविगेशन देख रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पर किसी भी एक पिन पॉइंट पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपकी लोकेशन से उस ATM तक का नेविगेशन आ जाएगा। यहाँ पर आप उसकी दूरी और जाने में लगने वाला टाइम देख सकते हैं। अब वहाँ तक जाने के लिए आपको स्टार्ट के इस बटन पर क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से नेविगेशन स्टार्ट हो जाएगा और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपको गूगल मैप के थ्रू डायरेक्शन मिलती रहेगी कि कहाँ से आपको लेफ्ट मुड़ना है और कहाँ से राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप ATM, पेट्रोल पंप, रेस्टोरेंट या फिर और भी कई चीज़ें सर्च करके ऑफलाइन गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं। बाकी और किन तरीक़ों से आप ऑफलाइन गूगल मैप का यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है योर डेटा इन मैप्स, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गूगल मैप आपका कौन कौन सा डेटा यूज़ करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक होती है, इसके साथ ही वेब एंड ऐप एक्टिविटी, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड पर्सनलाइजेशन या फिर आपके डाउनलोड किए गए मैप्स को भी गूगल मैप ट्रैक करता है। यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि गूगल मैप आपका डेटा कैसे यूज़ करता है, जैसे कि आपकी लोकेशन को कैसे ट्रैक करता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको एड्स कैसे सर्व किए जाते हैं या फिर आपकी सर्च या ब्राउज हिस्ट्री को कैसे यूज़ करता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है सेटिंग्स। तो सेटिंग्स पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर हेल्प एंड फीडबैक के इस ऑप्शन के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो जैसे आप हेल्प एंड फीडबैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने कुछ ऑप्शन आएंगे। तो यहाँ पर हेल्प के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल मैप से हेल्प ले सकते हैं। अगर आपके गूगल मैप अकाउंट पर किसी भी तरह का इशू आ रहा है तो यहाँ पर आप अपने इशू को डिस्क्राइब करके सपोर्ट टीम को सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन पा सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पर गूगल मैप से जुड़ा अपना फीडबैक सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर सेंड फीडबैक के इस ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने फीडबैक टाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आप अपना फीडबैक लिखकर टॉप राइट साइड में सेंड के आइकन पर क्लिक करके भेज सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आपको अलग अलग आर्टिकल्स मिल जाएंगे जिनसे आप गूगल मैप से जुड़ी हेल्प ले सकते हैं। हेल्प के बाद यहाँ पर आप ऐड अ फिक्स प्लेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने तीन ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर ऐड अ मिसिंग प्लेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी ऐसी लोकेशन को ऐड कर सकते हैं जो गूगल मैप पर अवेलेबल नहीं है। इसके लिए यहाँ पर आपको ऐड नेम की फील्ड में उस जगह का नाम एंटर करना है या फिर अगर आप अपनी किसी शॉप या बिजनेस को ऐड करना चाहते हैं तो उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद ऐड कैटेगरी के ऑप्शन पर आपको क्लिक करके उस जगह से रिलेटेड कोई कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको कई सारी अलग अलग कैटेगरीज मिल जाएंगी जिनमें से आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ऐड एड्रेस का ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके उस जगह का एड्रेस आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं।
एड्रेस एंटर करने के बाद अपडेट लोकेशन ऑन मैप के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और उस जगह की सही लोकेशन पर आपको इसे पॉइंट करना है। अब अगर आप किसी कॉमन लोकेशन की जगह पर अपने बिजनेस को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बिजनेस आर्स, कॉन्टैक्ट, वेबसाइट्स और ओपनिंग डेट को भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर ऐड अ फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी लोकेशन से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड फोटोज़ को ऐड कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर चेंज नेम और अदर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके आप किसी लोकेशन का नाम दे सकते हैं या फिर कोई रोड या फिर लोकेशन ऐसी है जो अननोन है और उसका कोई नाम नहीं है गूगल मैप पर, तो यहाँ से आप उसे ऐड कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर इस तरह से आपको उस लोकेशन को जूम करके उस पर टैप करना है। जैसे आप टैप करेंगे इस तरह से आपके सामने एक पॉपअप में ऐड अ मिसिंग प्लेस का ऑप्शन आएगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप इस लोकेशन का नाम, कैटेगरी, लोकेशन और एड्रेस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है रिमूव अ प्लेस का, तो इस पर क्लिक करके आप उस लोकेशन को डिलीट कर सकते हैं जो आपने गूगल मैप पर अपडेट की होंगी। तो इस तरह से दोस्तों आप गूगल मैप पर कोई भी लोकेशन ऐड या चेंज करते हैं तो इसे आपका कंट्रीब्यूशन माना जाएगा और आपको इसके लिए पॉइंट्स भी मिलेंगे। इसी तरह से आप यहां पर फिक्स एन एड्रेस ऑप्शन पर क्लिक करके गूगल मैप पर किसी लोकेशन का एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, उसे मैप पर पॉइंट कर सकते हैं। इसके बाद ऐड और फिक्स अ रोड के ऑप्शन पर क्लिक करके किसी रोड को मैप पर पॉइंट कर सकते हैं या फिर अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर योर लोकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप गूगल मैप पर गलत पॉइंट हुए अपनी करंट लोकेशन या फिर कहीं जाते समय गलत नेविगेशन को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप योर ओपिनियन अबाउट मैप्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप गूगल मैप के बारे में अपना फीडबैक या सजेशन दे सकते हैं या फिर किसी टेक्निकल इशू को रिपोर्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्क्राइब करनी है और इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका कोई स्क्रीनशॉट ऐड कर सकते हैं और साथ ही सिस्टम लॉक्स क्या है ये भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फाइनली फीडबैक सेंड करने के लिए आपको टॉप राइट साइड में इस एरो के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका फीडबैक सेंड हो जाएगा और कुछ ही टाइम में आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पर सेटिंग्स को छोड़कर बाकी सभी फीचर्स कंप्लीट होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और सेटिंग्स फीचर के बारे में भी जान लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने गूगल मैप्स की अलग अलग सेटिंग्स ओपन हो जाएंगी। तो यहाँ पर आप ऑफलाइन मैप्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से कुछ और ऑप्शंस आपके सामने आएंगे। तो यहाँ पर ऑटो अपडेट ऑफलाइन मैप्स के सामने ये टॉगल बटन अगर आप डिसेबल कर देंगे तो जो आपके ऑफलाइन मैप्स डाउनलोडेड हैं वो ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होंगे। यहीं पर आप ऑटो डाउनलोड रिकमेंडेड मैप्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को डिसेबल कर देंगे तो जो गूगल मैप की तरफ से रिकमेंड किए गए मैप्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाते हैं वो ऑटो डाउनलोड नहीं होंगे और ऐसे में आपका काफ़ी डेटा सेव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप डाउनलोड प्रेफरेंसेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा। तो यहाँ से आप वाईफाई या फिर मोबाइल नेटवर्क सेट कर सकते हैं मैप्स डाउनलोड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर आप स्टोरेज प्रेफरेंसेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा। तो यहाँ से आप डाउनलोडिंग लोकेशन के लिए डिवाइस या फिर एसडी कार्ड में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप अबाउट ऑफलाइन मैप्स का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने ऑफलाइन डाउनलोडिंग मैप्स की इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगी कि किस तरह से आप एंड्रॉयड या फिर आईफोन में ऑफलाइन मैप का यूज़ कर सकते हैं, उसे कैसे आप डाउनलोड या फिर मैनेज कर सकते हैं, इस तरह की तमाम डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप वाईफाई ओनली का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को ऑन कर देंगे तो सिर्फ वाईफाई पर ही आप गूगल मैप का यूज़ कर पाएंगे, आपका मोबाइल डेटा उसमें खर्च नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर आप कम्यूट सेटिंग्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डेली रूटीन की जो यात्रा है उसे सेट कर सकते हैं। जैसे कि आप डेली ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से घर आते हैं, इन दोनों ही प्लेसेस को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। घर का एड्रेस सेट करने के लिए यहाँ पर आपको होम ऑप्शन पर क्लिक करके अपने घर का एड्रेस सेव करना है और वर्क ऑप्शन पर क्लिक करके अपने ऑफिस या शॉप का एड्रेस आपको डालना है। इसके बाद हाउ यू कम्यूट के ऑप्शन पर क्लिक करके आपको यात्रा का माध्यम सेलेक्ट करना है, जैसे कि कार, बाइक, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या फिर पैदल। इसके साथ ही यहाँ पर आपको कम्यूट टाइम्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना ऑफिस टाइमिंग और
डेज सेलेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि 9 से 5 और मंडे टू सैटरडे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कम्यूट टाइमिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप गेट कम्यूट नोटिफिकेशंस का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इसके सामने ये टॉगल बटन अगर इनेबल है तो आपके घर से ऑफिस जाने या फिर ऑफिस से घर आने से पहले आपके रूट में ट्रैफिक स्लो होगा या कुछ और प्रॉब्लम होगी तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और अब आप यहाँ पर ये लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं, गेट मोर एक्यूरेट कम्यूट इन्फो। तो इसके सामने अगर ये टॉगल बटन इनेबल है तो गूगल मैप आपकी लोकेशन हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपकी कम्यूट टाइम एक्यूरेसी को और भी इम्प्रूव करता रहेगा। इसके बाद यहाँ पर आप एडिट होम और वर्क के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने होम और ऑफिस के एड्रेस को एडिट कर सकते हैं। इवेंट्स जो आपने क्रिएट किए होंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं या फिर एडिट कर सकते हैं, और जिन प्लेसेस पर आपने विजिट किया होगा उन सभी को आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ ही जो मैप्स आपने सेव किए होंगे वो भी आप यहां पर देख सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है गूगल लोकेशन सेटिंग्स। तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी गूगल लोकेशन को ऑन ऑफ कर सकते हो और लोकेटिंग मेथड में हाई एक्यूरेसी सेट कर सकते हो। इसके साथ ही यहां पर रीसेंट लोकेशन रिक्वेस्ट देख सकते हैं और साथ ही लोकेशन सर्विसेज भी आप यहां पर चेक कर सकते हो, जैसे कि इमरजेंसी लोकेशन सर्विस, गूगल लोकेशन हिस्ट्री या फिर गूगल लोकेशन शेयरिंग। इन मेथड्स पर गूगल लोकेशन वर्क करता है जो कि गूगल मैप पर आप यूज़ करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप पर्सनल कंटेंट का ये ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस पर क्लिक करके आप अपने उन पर्सनल डेटा को देख सकते हैं जो गूगल मैप यूज़ करता है, जैसे कि गूगल कॉन्टैक्ट्स, पर्सनल इवेंट्स, टाइमलाइन, ईमेल्स या फिर वेब एंड ऐप एक्टिविटी। इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं और अपनी लोकेशन सेटिंग्स भी आप यहां से कर सकते हैं, जैसे कि लोकेशन हिस्ट्री को आप ऑन ऑफ या फिर डिलीट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली डिलीट लोकेशन हिस्ट्री सेटिंग कर सकते हैं। इसके साथ ही यहां पर आप प्रोफाइल सेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि जो कुछ भी आपने अपने गूगल मैप में अपडेट किया होगा, जो भी कंट्रीब्यूट आपने गूगल मैप पर किया है उसे आप शो या फिर हाइड कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर नेक्स्ट ऑप्शन है लोकेशन एक्यूरेसी टिप्स। तो इस पर क्लिक करके आप लोकेशन एक्यूरेसी की टिप्स ले सकते हैं, बट अभी ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। इसके लिए आप एक बार गूगल मैप ऐप को अपडेट करके देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट फीचर है मैप्स हिस्ट्री। तो इस पर क्लिक करके आप अपने मैप की हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, उसकी एक्टिविटी देख सकते हैं, जैसे कि जो भी लोकेशन या एरिया आपने अब तक गूगल मैप पर सर्च करके देखी है उन्हें आप यहां पर देख सकते हैं। इसके साथ ही गूगल मैप पर जो भी नेविगेशन आपने यूज़ किया है उन्हें भी आप यहां पर देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहां पर आप ये 3 डॉट पर क्लिक करके उस मैप की डिटेल देख सकते हैं और साथ ही डिलीट भी कर सकते हैं। मैप्स हिस्ट्री के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है नोटिफिकेशंस का। तो इस पर क्लिक करके आप गूगल मैप्स की नोटिफिकेशंस को अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं, उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं अभी मैंने इसे ऑफ किया है। अगर आप भी इसे ऑफ कर चुके हैं तो आपको इसे ऑन करने के लिए टर्न ऑन नोटिफिकेशंस बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने इसे ऑन करने का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको इस टॉगल बटन को ऑन कर देना है। जैसे आप ऑन कर देंगे इस तरह से गूगल मैप्स की जो सभी नोटिफिकेशंस है वो ऑन हो जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये तमाम तरह की नोटिफिकेशंस आपको गूगल मैप की तरफ से मिलती हैं, तो इनमें से किसी भी नोटिफिकेशंस को आप अपने अकॉर्डिंग ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर सभी नोटिफिकेशंस को एक साथ बंद करने के लिए टॉप साइड में टॉगल बटन को डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है डिस्टेंस यूनिट्स। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, यानी कि मैप में दूरी मापने के लिए जो स्केल शो होता है उसमें जो डिस्टेंस कैलकुलेशन है वो किलोमीटर्स या फिर माइल्स में शो होगा। और अगर आप यहाँ पर किलोमीटर सेलेक्ट करते हैं तो सिर्फ किलोमीटर्स में डिस्टेंस शो होगा, और अगर आप यहाँ पर माइल्स सेलेक्ट करते हैं तो माइल्स में आपको दूरी शो होगी। जैसे कि यहाँ पर आप ये स्केल देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्टेंस आप देख सकते हैं, तो इसे आप किलोमीटर्स या फिर माइल्स में अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक रहने दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट फीचर है स्टार्ट मैप्स इन सैटेलाइट व्यू। तो इसके सामने अगर आप इस टॉगल बटन को ऑन कर देंगे तो आपका जो गूगल मैप है वो सैटेलाइट व्यू में आपको शो होगा, जैसे कि सैटेलाइट से हमारी पृथ्वी शो होती है इसी तरह से आपको गूगल मैप शो होगा, और इसे आप जितना जूम करते जाएंगे उतनी क्लियरिटी के साथ इसे आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप किसी मॉन्यूमेंट या फिर अपने घर का प्रीमाइसिस भी सैटेलाइट मोड में क्लियरिटी के साथ देख सकते हैं। लेकिन इसमें नॉर्मल मैप के अकॉर्डिंग ज़्यादा डेटा यूज़ होता है, इसलिए आप इसे
डिसेबल करके रख सकते हैं। वैसे मैप में हमें अलग अलग मैप टाइप्स चूज करने का ऑप्शन मिलता है, तो वहाँ से भी आप सैटेलाइट व्यू सेलेक्ट कर सकते हैं जो बाद में ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप शो स्केल ऑन मैप का ये ऑप्शन देख सकते हैं। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप ओपन होगा, तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट व्हेन जूमिंग इन एंड आउट के ऑप्शन पर ये सेलेक्ट रहता है, यानी कि जब भी आप मैप को जूम करेंगे तभी आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाला स्केल शो होगा, अदरवाइज नहीं। और दोस्तों अगर आप इस पॉपअप में ऑलवेज सेलेक्ट करेंगे तो हमेशा आपको मैप पर स्केल शो होता रहेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट फीचर है यहाँ पर नेविगेशन सेटिंग्स, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप गूगल मैप की नेविगेशन सेटिंग कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइडेंस वॉल्यूम, तो गूगल मैप पर नेविगेशन सेट करने के बाद जैसे ही हम डायरेक्शन स्टार्ट करते हैं तो जो हमें वॉइस के थ्रू जो कमांड मिलती है लेफ्ट राइट मुड़ने के लिए, उस वॉइस को आप यहाँ से सॉफ्टर नॉर्मल या फिर लाउडर सेट कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर आप वॉइस सिलेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करके कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप गाइडेंस वॉल्यूम के तौर पर यूज़ करना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर आप गाइडेंस वॉल्यूम को ब्लूटूथ या फिर वॉइस कॉल के दौरान भी ऑन रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इन सभी टॉगल बटन को ऑन रहने दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आप प्ले टेस्ट साउंड का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर क्लिक करके आप गाइडेंस वॉल्यूम को प्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद ओके गूगल डिटेक्शन के ऑप्शन पर क्लिक करके आप हैंड्स फ्री मोड को ऑन कर सकते हैं और वॉइस कमांड दे सकते हैं। इसके साथ ही शो मीडिया प्लेबैक कंट्रोल्स के ऑप्शन को इनेबल करके आप नेविगेशन के दौरान म्यूजिक सुन सकते हैं। यहाँ पर आप गूगल प्ले म्यूजिक की सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप रूट ऑप्शंस में मोटरवेज, टोल रोड्स या फिर फेरीज को अवॉइड करने के लिए इन ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप मैप डिस्प्ले का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो यहाँ पर डे नाइट या फिर ऑटोमेटिक मोड में आप मैप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप डिस्टेंस यूनिट्स को किलोमीटर, माइल्स या फिर ऑटोमेटिक मोड में कर सकते हैं। और अगर आपको नॉर्थ साइड ऊपर रखना है तो यहाँ पर आप इस टॉगल बटन को इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप ड्राइविंग ऑप्शंस देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये सभी फीचर्स बाय डिफ़ॉल्ट ऑन रहते हैं। इससे मंथली ड्राइविंग रिपोर्ट, स्पीडोमीटर या फिर ड्राइविंग नोटिफिकेशंस आपको रिसीव होती रहती हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप एक्सप्लोरिंग प्लेसेस का ये ऑप्शन देख सकते हैं, तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक प्रीफ्रेंसेस के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट इंटरफेस में कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर डाइटरी प्रीफ्रेंसेस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपनी डाइटरी प्रीफ्रेंसेस सेट कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल फ्री या फिर वेजिटेरियन। इसी तरह से यहाँ पर आपको और भी ऑप्शंस मिलते हैं जिन्हें आप अपनी डाइटरी प्रीफ्रेंसेस में सेट कर सकते हैं। इससे होता यह है दोस्तों कि जब भी आप गूगल मैप पर रेस्टोरेंट या फिर फूड स्टोर से रिलेटेड कुछ सर्च करेंगे तो आपको आपके सेलेक्ट किए गए डाइटरी प्रीफ्रेंसेस के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स शो होंगे। यानी कि अगर आपने यहाँ पर वेजिटेरियन सेलेक्ट किया हुआ है तो आप जब भी गूगल मैप पर कोई फूड स्टोर सर्च करेंगे तो आपको सभी वेजिटेरियन फूड स्टोर ही सर्च रिजल्ट में शो होंगे। इसके साथ ही आप यहाँ पर इंटरेस्टेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड फूड टाइप्स सेट कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने अलग अलग फूड टाइप्स आ जाएंगे, जैसे कि अफगानी, अमेरिकन, एशियन, यूरोपियन या फिर इंडियन इत्यादि। तो इनमें से आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इस तरह से किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर लेस इंटरेस्टेड के इस ऑप्शन पर क्लिक करके उन फूड टाइप्स को ऐड कर सकते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते हैं। ये सभी फिल्टर लगाने के बाद अब जब भी आप फूड से रिलेटेड कुछ भी सर्च करेंगे तो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको सर्च रिजल्ट शो होगा। इसके बाद यहाँ पर आप ये सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं, योर फीडबैक अबाउट प्लेसेस, तो इस पर क्लिक करके आप उन रेस्टोरेंट या फिर सेंटर्स को देख सकते हैं जिनके बारे में आपने फीडबैक ऐड किया होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेव टू सेंड फीडबैक, तो इसके सामने इस टॉगल बटन को आप जैसे ही इनेबल कर देंगे तो इसके बाद जैसे आप अपने फ़ोन को शेक करेंगे इस तरह से एक पॉपअप विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पर सेंड फीडबैक के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना फीडबैक गूगल मैप को भेज सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेकेंड लास्ट ऑप्शन देख सकते हैं अबाउट एंड हेल्प, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह से आप यहाँ पर अपने गूगल मैप का वर्जन देख सकते हैं और टर्म्स एंड प्राइवेसी के ऑप्शन पर क्लिक करके टर्म्स ऑफ सर्विस, प्राइवेसी पॉलिसी, लीगल नोटिसेस, ओपन सोर्स लाइसेंस, वेब हिस्ट्री देख सकते हैं और हाउ मैप सजेस्ट डेस्टिनेशंस के ऑप्शन पर क्लिक करके आप ये पढ़ सकते हैं कि आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको गूगल मैप कैसे अलग अलग डेस्टिनेशंस सजेस्ट करता है। और फाइनली फ्रेंड्स साइन आउट ऑफ गूगल मैप्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने गूगल मैप अकाउंट से साइन आउट
कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स गूगल मैप की सभी A to Z सेटिंग्स। आई होप आपको इन सभी फीचर्स के बारे में जानकर काफ़ी हेल्प मिली होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल पर नए आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस भी ज़रूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।